नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक देखेंगे। आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के क्वेश्चन पेपर में दो या तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि इनके प्रतिपादक कौन हैं या इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा था। इस तरह के ढेर सारे जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक जो हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की है मैंने, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए देखते हैं वो कौन से सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान प्रकार्यवाद संप्रदाय, कई सारे संप्रदाय रहे हैं, जैसे प्रकार्यवाद रहा है, ठीक है, संरचनावाद का संप्रदाय रहा है और व्यवहारवाद का संप्रदाय रहा है, गेस्टाल्टवाद रहे हैं। इस तरह से ढेर सारे संप्रदायों में एक प्रकार्यवाद संप्रदाय है जो आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा रही है। इन सभी के प्रतिपादक विलियम जेम्स को माना गया है। तो देखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद या आत्मसंप्रत्यय जैसे शब्द आते हैं तो इन सभी के प्रतिपादक विलियम जेम्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल, विलियम जेम्स इनके प्रतिपादक होंगे। आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को माना गया है और इससे रिलेटेड जो भी शिक्षा के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, तीन मुख्य सिद्धांत दिए थे और जो सिद्धांत थे इनके गौण सिद्धांत माने गए थे। और ये जो भी सिद्धांत हैं वो क्रमशः यहाँ दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड थार्नडाइक को माना गया है, क्योंकि सबसे पहले अगर शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। दूसरा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सभी थार्नडाइक ने ही प्रतिपादित किया था। एसआर थियरी, स्टिमुलस और रिस्पांस, ये उद्दीपन अनुक्रिया इसी को लिखा गया है। ये सभी सिद्धांत, अनुबंध अधिगम का जो बंध सिद्धांत है या संबंधवाद का सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों के प्रतिपादक थार्नडाइक जी को माना गया है। प्रशिक्षण अंतरण या बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांतों को आप क्रमशः एक एक करके देखेंगे। ये सभी किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? थार्नडाइक के द्वारा। अच्छा, बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अल्फ्रेड बीने और साइमन के द्वारा दिए गए थे, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत या प्रतिपादक माने तो अल्फ्रेड बीने और साइमन हो जाएंगे। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बीने को कहा गया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था, इसे भी अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अच्छा, बहुबुद्धि या दो खंड या तीन खंड वाली बुद्धि का सिद्धांत, इसको स्फियरमैन ने दिया था। एक खंड अल्फ्रेड बीने और दो खंड या तीन खंड का जो सिद्धांत है उसको स्फियरमैन ने दिया था। सामान्य या विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्फियरमैन ने। अच्छा, बुद्धि का जो द्वय सिद्धांत है वो भी स्फियरमैन के द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जो तीन आयामों वाली बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जो दिया वो भी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। जो बुद्धि समूह खंड की कही जाती है वो थर्स्टन ने दिया। युग्म तुलनात्मक या निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये भी थर्स्टन महोदय रहे हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय कौन थे? ये भी थर्स्टन महोदय ही रहे थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन महोदय रहे हैं। अच्छा, अगला देखेंगे, थर्स्ट और चेब, ये दो मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, समदृष्टि अंतर विधि। कौन सा सिद्धांत? समदृष्टि अंतर विधि दिया था थर्स्टन व चेब ने। अगला, थॉमसन महोदय ने जो सिद्धांत दिया, न्यायदर्श या प्रतिदर्श, न्यायदर्श या प्रतिदर्श जो बुद्धि का सिद्धांत दिया वो थॉमसन महोदय ने दिया था। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया, बर्ट एवं बर्नर जी ने दिया था। आगे देखें,
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल महोदय ने दिया। आरबी केटल महोदय ने जो दूसरा सिद्धांत दिया वो प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत एकदम आसान सा ये सिद्धांत है जिसको हैब महोदय ने दिया हुआ है, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत। अगला है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन, स्टर्न और जॉनसन ही इकाई पर काम करने वाले दो व्यक्ति थे और इन्होंने बुद्धि के इकाई का सिद्धांत दिया था। विलियम स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि, अच्छा विलियम से बुद्धि लब्धि को अटैच कर लेंगे, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? विलियम स्टर्न महोदय। अगला मनोविज्ञान का सिद्धांत है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो बिल्कुल विलियम बुंट और विलहेम मैक्सिमिलन, ये इनका पूरा नाम है विलहेम मैक्सिमिलन बुंट, जिनको हम विलियम बुंट के नाम से जानते हैं, संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं। यही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक थे और इन्होंने ही है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की थी, इन्हें ही पहली प्रयोगशाला का संस्थापक माना गया है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो जीन पियाजे महोदय जो थे, संज्ञानात्मक विकास पर जिन्होंने काम किया था, ये विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे महोदय ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल जी थे। और हर्मिंक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल जी। हर्मिंक का सिद्धांत ये सभी किसने दिए? विलियम मैकडूगल जी ने। दूसरा आता है मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन मन मस्तिष्क का विज्ञान कौन मानता था? तो ये पोम्पोलॉजी थे, पोम्पोनॉजी या पोम्पोलॉजी ऐसे करके आता है, ये पोम्पोनॉजी लोग थे जो मन मस्तिष्क को मन मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। अच्छा, ये कई चरणों में आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, इस तरह से कई सारे चरणों से गुजरता हुआ मनोविज्ञान इस समय आधुनिक समय में व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। और व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन महोदय थे, इसे ही व्यवहारवादी संप्रदाय कहा जाता है और इसके जनक जेबी वाटसन महोदय थे। इस समय ये जो व्यवहारवाद है बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने, ये सिद्धांत भी बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था। अब बीएफ स्किनर ने अपना कबूतर पे किया हुआ था। अगला सिद्धांत है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि प्रतिपादित किया था इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय ने, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कुत्ते को घंटी बजा के खाना दिया करते थे ये, और बाद में खाली घंटी बजा दिया, खाना दिया ही नहीं। आईपी पावलाव, इवान पेट्रोविच, आईपी आई से इवान, पी से पेट्रोविच और पावलाव, ये इनका पूरा नाम रहा है जिसे हम नॉर्मली पावलाव पावलाव के नाम से जानते हैं। दो सिद्धांत हैं इनके मुख्य, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दो सिद्धांत जो और इन्होंने दिए हुए हैं वो भी यहाँ देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत इवान पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा दिए गए हैं। अगला जो सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, अच्छा कई सारे सिद्धांत हैं जिनको मैं एक ही साथ ले लेता हूँ। प्रबलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत सी एल हल के द्वारा दिए गए हैं।
सिद्धांत है चालक अंतर्नोद का सिद्धांत। इसे भी सी एल हल महोदय जी ने दिया था। कोहलर ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया। कोहलर महोदय ने वनमानुष पे प्रयोग किया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा। वर्दीमर कोफ्फा एक नाम है, एक मनोवैज्ञानिक जी रहे थे, कोहलर और वर्दीमर कोफ्फा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। गेस्टाल्टवाद के जनक भी कहे जाते हैं। गेस्टाल्टवाद एक संप्रदाय रहा है जो कि कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर और लेविन, इस संप्रदाय को मानने वाले लोग रहे हैं। कोहलर, कोक्का, कोफ्फा दोनों तरह से है, कोक्का है, वर्दीमर और लेविन, ये सभी इसी संप्रदाय को मानने वाले थे। अगला है कुर्त लेविन, जो कि क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, समूह गतिशीलता, संप्रत्यय के प्रतिपादक, तल रूप, क्षेत्रीय सिद्धांत, ये सभी कुर्त लेविन जी ने दिया था। ऐसे संप्रदाय और सिद्धांतों से संबंध रखने वाले कुर्त लेविन जी हैं। अगला गूथरी का सिद्धांत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, गूथरी का सिद्धांत। सामिप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, समीपता का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। अगला है टॉलमैन। टॉलमैन जी ने दो सिद्धांत दिए, साइन का सिद्धांत और संभावना सिद्धांत। दो सिद्धांतों को टॉलमैन जी ने प्रतिपादित किया था। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, डेविड आसुवेल, ये नाम ही इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये यूनिक तरह का है। इसको अपने माइंड सेटअप में एकदम फिक्स कर लीजिएगा। डेविड आसुवेल, अग्रिम संगठक प्रतिमान का सिद्धांत जो दिया, इनके द्वारा प्रतिपादित हुआ था। फिर है वार्फ, जो नाम आपने कभी सुना ना होगा। ऐसे मनोवैज्ञानिकों को पूरी तरह से इस सूची में सम्मिलित किया गया है जो कभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो वार्फ महोदय जी रहे थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, मैंने आपको बताया जे बी वाटसन जी थे, जोहान बी वाटसन, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय जो कि आज का आधुनिकतम मनोविज्ञान का स्वरूप माना जाता है। अगला है क्लार्क हल। मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल ने अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा जी थे और ये बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बंडूरा महोदय। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, स्टेनले हाल, ये नाम आपने सुना होगा। किशोरावस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष का काल, ये शब्द भी स्टेनले हाल महोदय ने ही दिया था। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन थे? गेने महोदय। मनोसामाजिक विज्ञान का विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन। अगला सिद्धांत जॉन ड्यूबी जी का है। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? पूछ दे तो आप लिखेंगे जॉन ड्यूबी। अगला मनोविज्ञान सिद्धांत अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम आई मीन लर्निंग, लर्निंग साइकोलॉजी के जनक कौन थे? हरमन एबिंगहॉस। ये हरमन एबिंगहॉस अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने गए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे जी को माना गया है। किंडरगार्टेन विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है ये। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि को मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद का जनक आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर और लेविन महोदय इस संप्रदाय के प्रतिपादक और मानने वाले थे। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट महोदय थे, जिन्होंने और वो प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। व्यवहारवाद के जनक जे बी वाटसन 1912 में। मनोविश्लेषणवाद के जनक सन 1900 में सिगमन फ्रायड महोदय ने दिया था। विकासात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिए? जीन प्याजे जी ने दिया था। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर महोदय ने प्रतिपादित किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया?
तो अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा, जब बच्चे समाज में रहकर अधिगम करते हैं ऐसे सिद्धांत, इससे संबंधित सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया। संबंधवाद 1913 में थार्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में पावलोव महोदय जी ने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत 1938 स्किनर महोदय। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, हल पुनर्बलन जहां आ जाए उसको हल कर लेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर जी ने, कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पे हुआ और वहीं से चिंपैंजी को सूझ मिल गई और अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे, एरिक्सन, एरिक एरिक्सन महोदय। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक जॉन ड्यूबी महोदय, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक, जिसमें करके सीखने का सिद्धांत दिया जाता है, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एविग हॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। और अधिगम में पठार भी आते हैं, अधिगम का पठार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जेरोम ब्रूनर का अगला जो सिद्धांत है वो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत रहा है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वाल्फ महोदय, जिन्होंने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। अगले जो खास मनोवैज्ञानिक हैं वो बगले महोदय हैं। बगले महोदय ने अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले महोदय जी ने दिया था। आगे है चोमस्की, जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, ये भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। मैज़लो महोदय ने मांग और पूर्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैज़लो महोदय का जो दूसरा सिद्धांत था वो स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत रहा है। और इसी के साथ आत्मज्ञान का सिद्धांत जो दिया था वो भी मैज़लो महोदय के द्वारा दिया गया था। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलियंड के द्वारा दिया गया, डेविड सी मैकलियंड। ज्ञान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक महोदय, ठीक है, प्रतिपादक महोदय। अगले वीडियो में मैं लगभग 100 सिद्धांत और आपको बताऊंगा, और ये अभी 100 हैं, 100 लगभग, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों को मैं अगले वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा, और जल्दी ही दूसरा वीडियो भी आ जाएगा।